आईआईटी आईसीएम के जैस्पर हॉस्टल में रहने वाले रंजन राठी ने गुरुवार की रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहा था। मुरादाबाद निवासी राठी ने आईसीएम से ही एमटेक की पढ़ाई की। इसके बाद पीएचडी के लिए इसी साल 28 जुलाई को नामांकन कराया। वह जैस्पर हॉस्टल के डी ब्लॉक में रहता था। गुरुवार को अपने रूम में अकेले था। उसका रूम पार्टनर रांची गया था। राठी का रूम पार्टनर गुरुवार रात लगातार मोबाइल पर फोन करता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने साथियों को ये जानकारी दी कि राठी फोन रिसीव नहीं कर रहा है। शुक्रवार को तड़के 4 बजे हॉस्टल के छात्रों ने राठी के रूम का दरवाजा पीटा। कोई जवाब नहीं मिलने के बाद सुरक्षा गार्ड को सूचना दी। गार्ड ने वेंटिलेटर से झांका तो वो कमरे में फांसी के फंदे पर झूल रहा था। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। वहीं आईसीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज राम मोहन ने बताया कि इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। देर रात तक धनबाद पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही खुदकुशी के कारण का पता चल सकता है। आईसीएम प्रबंधक की ओर से मृतक को ले जाने की सारी व्यवस्था कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि दोस्तों से पूछताछ में पता चला है कि गुरुवार को रंजन ने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की थी। वो काफी तनाव में था। मामला यह है कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक स्टूडेंट का कॉल आया था जैस्पर हॉस्टल से कि वहाँ एक विद्यार्थी का आत्महत्या कर लिया, सुसाइड केस है, रूम अंदर से बंद किया हुआ है। हम लोग तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुंचे, तब पुलिस को अलर्ट किया गया। पुलिस आई, उनका बॉडी को उतारा गया और पीएमसीएच ले गया है। आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई और पुलिस अनुसंधान चल रहा है। तो ये क्या चीज़ से लटका हुआ पाया गया था? ये एक गमछा जैसा व्हाइट कलर का कुछ था, उसे पंखे वगैरह से लटका हुआ था। जी, कोई सुसाइड नोट भी मिला क्या कुछ? अभी अनुसंधान जारी है, वो पुलिस बताता है। पुलिस ने सर्च किया है। तो ये पंखे से लटका हुआ था क्या? पंखे से लटका हुआ था। एग्जाम वगैरह चल रहा था? एग्जाम मिड सेम चल रहा था, बट उससे कोई इसका रिलेशन है कि नहीं ये अभी साबित नहीं हुआ। एग्जाम से कोई रिलेशन अभी तक में नहीं आया है, बट एग्जाम चल रहा है।